अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा है कि भारतीय इकदाम आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हैं। शहादतें और गिरफ्तारियां कश्मीरियों की मजाहमत को कम नहीं कर पाएंगी। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि 5 अगस्त के भारतीय इकदाम बैनुल अक्वामी कवानीन और अक्वामे मुत्तहदा सिक्योरिटी काउंसिल के करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कश्मीर अमरीकन वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से वाशिंगटन में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि भारत के 5 अगस्त से मुंसलिक इकदाम कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम करने की कोशिश है। उनका कहना था कि सैकड़ों शहादतें, हजारों गिरफ्तारियां और मीडिया पर मुसलसल क्रैकडाउन भी कश्मीरी मजाहमत को कम नहीं कर पाएगा। 5 अगस्त को राम मंदिर का इफ्तिताह भारतीय फासिज्म आरएसएस का एजेंडा है और दुनिया की तवज्जो हटाने की मजमूम कोशिश है। सेमिनार से खिताब करते हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि भारत ने इंतहा पसंदी और हिंदुत्वा आइडियोलॉजी का जो रास्ता इख्तियार किया वो खुद भारत के लिए खतरनाक है और इसमें बसने वाले अकलियतों को शिकार बना रहे हैं।